नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओमार पर। मित्रों, आप अनुरोध करते हैं, हम बताते हैं दाढ़ में दर्द का जो तरीका बताया था आपने, तो मैं फिर से आपको बताने जा रहा हूँ कि दाढ़ में दर्द दूर करने का एक और शाबर मंत्र है। हमारे दर्शकों ने अनुरोध किया तो हम बताया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पर हम अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अनुरोध है आपसे हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको इस प्रकार के उपाय और बताते बताते और बताते रहें। ओम नमो आदेश गुरु को, सवारी में शीशी, शीशी में मीच, माझी में सूड़ा, मसूड़ा में पीड़ा, कीड़ा मरे, पीड़ा टरे, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। तो मित्रों, ये मंत्र था दाढ़ की पीड़ा दूर करने का एक और मंत्र। जैसा कि मैंने कहा कि आपने कहा तो हम आपको बता रहे इसका उपयोग कैसे करना है। दो कीलें लाइए कहीं से भी, दो कीलें लोहे की, और ये मंत्र पढ़ के उन्हें सात बार झाड़िए, मतलब सात बार उनके सामने मंत्र पढ़िए, हर कील के सामने सात बार, एक कील के सामने फिर दूसरी के सामने। एक कील को तो आपको क्या करना है, मंत्र पढ़ते हुए किसी कुएं में डाल दें, कैसे भी कुएं में मंत्र पढ़ते हुए डाल दें। दूसरी कील को आप कोई नमकीन पानी या खटाई का पानी जो हो उसमें भिगो के फिर किसी नीम के पेड़ में ठोक दें, और जब ये काम करें तब भी आपको मंत्र पढ़ते रहना है। तो ये बहुत बढ़िया मंत्र है दाढ़ की पीड़ा दूर करने का। दाढ़ की पीड़ा इससे दूर होती है शाबर मंत्रों की श्रृंखला में, स्वास्थ्य लाभ की श्रृंखला आपको बता रहे हैं और बताएंगे। हमारे चैनल को अवश्य देखते रहिए। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।